हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इन टर्म ऑफ थीटा। हम इसको सर्कुलर सिस्टम से करेंगे। सबसे पहले हमने x एक्सिस ड्रॉ की और फिर हमने y एक्सिस ड्रॉ की और हम एक रोटेटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो रोटेट कर रही है फ्रॉम ओरिजिन। ये ड्रॉ करेंगे जो कि यहां पर एट द ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है और ठीक उतना ही एंगल जो है हम ये सेकंड क्वाड्रेंट पर ड्रॉ करेंगे और ये एंगल भी कितना बढ़ रहा है? थीटा एंगल बढ़ रहा है और ये भी थीटा एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है ये आपका ये यहां से लेकर यहां तक x से x डैश ये x एक्सिस रोटेट कर रही है तो ये यहां तक कितना बढ़ा गया? 180 डिग्री। तो ये थीटा है, इससे 180 डिग्री माइनस थीटा इतना बच जाएगा। इतना बच जाएगा आपका ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस थीटा बचेगा आपके पास। एट दिस पॉइंट बी पी एंड दिस विल बी पी डैश। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेम ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी डैश ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज पी एम और ये बनेगा आपका पी डैश एम डैश। तो ये जो है रेडियस है, उसी प्रकार ये भी रेडियस है, ये आर होगा और ये भी आर होगा। एट दिस डिस्टेंस बी एक्स, ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर एम तक ये एक्स होगा और लेट दिस डिस्टेंस बी वाई। डिस्टेंस पी एम क्या हो जाएगा? वाई डिस्टेंस हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ओ एम डैश ये भी एक्स ही होगा लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए ये माइनस एक्स होगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है तो ये y ही रहेगा। ठीक है, देन क्वाड्रेंट दिस डिस्टेंस OM इज x एंड द डिस्टेंस PM इज y, देन द क्वाड्रेंट ऑफ P इज x y, ये बन गया xy एंड द क्वाड्रेंट ऑफ P डैश इज x क्या है इस तरफ को नेगेटिव और y है पॉजिटिव। इस तरह इसके क्वाड्रेंट्स बनेंगे। इन दो ट्राइंगल्स में ट्राइंगल ओ एम पी और ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश में इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे कि ओ पी जो है ओ पी डैश के बराबर है और ये रेडियस है किसके? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और उसी प्रकार पी डैश एम डैश is equal to PM, ये किसके बराबर है? Y के बराबर। और OM dash जो है OM के बराबर है और ये जो है 90 डिग्री के है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री है। और ये जो ट्राइंगल है कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल OMP is congruent to the triangle O M dash P dash, इसकी corresponding part जो है बराबर है। और हम क्या कर सकते हैं? अब हमने 180 minus theta find out करना है। sine of 180 degree minus theta क्या आ जाएगा? sine होता है perpendicular upon hypotenuse, तो परपेंडिकुलर आपका ये है और हाइपोटेन्यूज आपका ये है, ये आ जाएगा आपका y अपॉन r, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो इसको हम यहां से देखेंगे y आपका परपेंडिकुलर अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा। इस तरह cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? माइनस एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका आर, तो माइनस ये जाएगा एक्स अपॉन आर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस
और ये है tan tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन y अपॉन माइनस x, तो माइनस ऑफ y अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो इसी प्रकार cot ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, cot ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ये इसका tan का रेसिप्रोकल होता है और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये माइनस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज अगेन cot थीटा, माइनस ऑफ cot थीटा। तो इस प्रकार secant secant ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो secant होगा आपका hypotenuse, hypotenuse अपॉन बेस, तो hypotenuse अपॉन बेस इज secant। और cosecant 180 डिग्री माइनस थीटा जो है hypotenuse अपॉन परपेंडिकुलर, r अपॉन y, hypotenuse अपॉन परपेंडिकुलर इज अगेन cosecant थीटा। तो इस प्रकार जो है हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं।